हेलो डियर व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए है जो क्लास 9 एंड क्लास 11 का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास 10 जो लोग बोर्ड एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी गुड न्यूज है। वो गुड न्यूज क्या है, आप सब में से बहुत लोग अभी तक जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ऑनलाइन एग्जाम को लेकर यहां तक कि हम लोग तो डिमांड करते थे कि हम लोगों का एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए ये जगहों पर, लेकिन अब हम लोगों को ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये सीधा एग्जाम ही कैंसिल हो गया। यहां तक कि क्लास 10 का भी बोर्ड एग्जाम जैसे एग्जाम कैंसिल हो गई है। तो इसी के रिगार्डिंग है ये वीडियो, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट और पैनिक हो रहे हैं कि क्यों नहीं हम लोगों का हो रहा है, हमारा कब नोटिफिकेशन आएगा, कब ऑफिशियल हमारे स्कूल से ऐसा नोटिस आएगा कि आप लोगों के एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं या आप लोगों के एग्जाम ऑनलाइन हो सकते हैं, कब आएगा ये न्यूज आखिर, और 4 या 5 दिन बचे हैं भैया, क्या हम लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसी के सारा डिटेल्स मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो में दूंगा, पर उससे पहले काम की चीज आपको बता दूं, उसके बाद आप सबको सारा डिटेल्स देता हूं। अनअकैडमी में शुरू होने वाली है युक्ति बैच कोर्स एमएसटी सीटी 2021 मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनमें अगर सब्जेक्ट्स की बात कर ले तो सब्जेक्ट्स है पीसीएम एंड पीसीएमबी एंड पीसीबी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो मेरे प्यारे दोस्तों अनअकैडमी आप लोगों के लिए इतने सारे अपॉर्चुनिटी लेकर आता है जिससे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के इन सब्जेक्ट को क्लियर कराने में आप लोगों की हेल्प करते हैं टॉप बेस्ट एजुकेटर्स आपके साथ लाइव इंटरेक्ट करते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पर अनअकैडमी जानी जाती है अपनी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों साइंस सब्जेक्ट को क्लियर करा पाते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट ये दिया जाता है कि यहाँ पे आपको कोई भी टॉप एजुकेटर्स, साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट में डाउट पड़ता है तो आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं, साथ साथ आप इंटरेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग डेट की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों 15 फरवरी से है, और उसी के साथ आपको स्क्रीन पर मेरा कोड दिख रहा होगा और नीचे गेट सब्सक्रिप्शन का आइकॉन, आपको बस मेरा कोड यूज़ करना है। एंड जस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, आपका इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो जस्ट एक ट्रायल देकर देखिए, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो बताएं, तो पाए दुगने फायदे, एनरोल नाउ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बता दूं कि हमारे क्लास 9 एंड 11 भाई बहनों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये है आपका सहारनपुर से अनुराग भैया की तरफ से ये नोटिफिकेशन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं वहां पर स्कूल वालों ने फिर से हंगामा करने के बाद इतने सारे, जैसा मैं आप सबको बता रहा हूँ कि स्कूल से कांटेक्ट करने के बाद, हम लोग डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद, पेरेंट्स जब वहां पहुंच रहे हैं तो स्कूल वाले मान रहे हैं, आपके सामने सबूत है, आप पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम पहले ऑफलाइन हो रही थी फिर से ऑनलाइन हो गई। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की एक ऐसी डिसीजन मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, हम लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, ऑल पास तमिलनाडु सीएम सेज नो फाइनल एग्जाम फॉर क्लासेस 9, 10 एंड 11। यहाँ पे नॉट ओनली 9 एंड 11 बट 10 ऑल्सो, ठीक है। तो तमिलनाडु एक बहुत बड़ी स्टेट है, आप सबको बताना कितना ज्यादा ये एक सोचने वाली बात है कि इतने बड़े स्टेट में कितने सारे स्कूल्स होंगे जिसमें 9, 10, 11 का एग्जाम डायरेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। नॉट ओनली ऑनलाइन की लेने की बात कही गई है, डायरेक्ट यहाँ पर जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज पे ये आर्टिकल छपी है, ऑल ओवर इंडिया ने पढ़ा होगा, हर एक स्कूल वालों ने पढ़ा होगा, हर एक स्कूल के हेडमास्टर प्रिंसिपल ने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो आखिर वो लोग ये चीज क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, आखिर वो लोग ये चीज क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। यहां तक कि झारखंड का न्यूज, कल का जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज, वो भी हिंदुस्तान टाइम्स पे छपा, झारखंड के 9 एंड 11 को ऑप्शन दे दिया गया बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जामिनेशंस, और यहां तक कि यहां पे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 को भी दे दिया गया, पास करा दिया गया। तो आखिर स्कूल वाले ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं। मुंबई में फिर से लॉकडाउन लग सकता है, आप सबको पता होगा कि फिर से लॉकडाउन लगने की बात हो रही है। तो आखिर स्कूल प्रिंसिपल्स, देखिए वो भी तो न्यूज पढ़ते होंगे, वो भी तो न्यूज देखते होंगे कि ये स्टेट में ये एग्जाम कैंसिल किया गया, ये स्टेट में क्लास 9 एंड 11 का ऑनलाइन एग्जाम ले लिया गया, तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते। ऐसा थिंकिंग क्यों नहीं है स्कूल वालों का, आखिर ऐसा थिंकिंग क्यों नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या हम लोगों को सब स्कूल में कॉल करना हमारे लिए पॉसिबल है? हम हर स्कूल के प्रिंसिपल को फोन करके रिक्वेस्ट करेंगे, सर आप ये जरा हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज पढ़िए तो तमिलनाडु में एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, सर जरा आप ये न्यूज पढ़िए तो झारखंड में एग्जाम ऑनलाइन ऑफलाइन करा दिया गया। तो खुद आप लोग देख रहे हैं, टीचर जो खुद देख रहे हैं, प्रिंसिपल्स खुद न्यूज पढ़ रहे हैं, तो उसको इंप्लीमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है। खुद न्यूज पढ़ के कहते हैं कि अरे देखो कितना अच्छा काम किया तमिलनाडु के सीएम ने, अरे देखो झारखंड के सीएम ने कितना अच्छा काम किया, बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दे दिया, बच्चे अब अच्छे से पास हो गए। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी न्यूज जब आ रही है पढ़ रहे हैं, हर एक जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो लोग बच्चों से प्यार करते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स को समझते हैं, वही ये सब कर सकते हैं। जो लोग को बस इससे मतलब है वो आपका प्रॉब्लम कभी नहीं समझेंगे, कभी नहीं, कुछ भी हम लोग कर ले नहीं समझेंगे। उन लोगों को जब तक फोर्स नहीं किया जाता, उन लोगों को जब तक दबाव नहीं दिया जाता, वो लोग नहीं करेंगे, इतने घटिया लोग भी होते हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी खबर है, यही चाहते हैं। संख हमारी बजी है झारखंड से,
तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, और ये ऐसे ही करके फैलता जा रहा है। और उम्मीद है जितना हम लोग करा पाए एटलीस्ट 60-70% स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया में अगर हो जाता है ऑनलाइन तो हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और साथ आप लोग पढ़ाई भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए और अच्छी अपडेट्स के साथ मिलते हैं।